वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही मजेदार है। देखिए फिगर देख के तो आप समझ गए होंगे कुछ हद तक, बहुत ही मजेदार लग रहा होगा। कैसे? ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो ठो नल है, ठीक है, कितना नल है, दो ठो। इस टंकी को अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जा रहा है तो इस टंकी को भर दे रहा है कितना देर में, यानी 9.3/8, यानी 9 × 8 = 72 और 3 कितना हो जाएगा, 75/8 घंटा में ये दोनों इस टंकी को भर दे रहा है। आप बताइए जब ये टंकी को भरेगा तो सोच के बताइए कि सबसे ज्यादा पानी कौन देगा, बड़ा वाला नल देगा या छोटा वाला नल देगा। जाहिर सी बात है कि इसका व्यास देखिए, देखिए एक वृत्त होता है ना, वृत्त का ये व्यास है, बीच वाला क्या है, व्यास है। तो जितना बड़ा ये व्यास होगा उतना ज्यादा पानी देगा, उतना ही चौड़ा होगा नल का ये मुंह जो होगा यहाँ पे, और वो उतना ही ज्यादा पानी देगा, उस हिसाब से बताइए यही ना ज्यादा पानी देगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब दोनों मिला है तो कितना देर में भरा है, 75/8 घंटा में भर दिया है। कोनो कारण बस अगर दोनों इसको हम बंद कर दें, आप बोले कि छुटका तू एक काम कर, तू अकेले भर के दिखा कितना समय लग रहा है, एक बार इसको भर दे, और इसको बोले कि तू अकेले भर के दिखा कितना समय लग रहा है, जब तू लोग दोनों मिला है तब जाके 75/8 घंटा में भरा है। तो बताइए कि अलग अलग ये अपना अपना भरेगा, और नल हौज यानी हौदा ये जो भी है हौज, ये दोनों बराबरे है, दोनों को अगर अलग अलग हौज दे दिया जाए, ठीक है, और दोनों बराबर हो, छुटका को बोल दिया जाए अलग तरीके से भरे और बड़ा वाला अलग भरे, तो बताइए ये वाला तो जल्दी ही भर देगा अपना, क्योंकि ये बड़ा नल है। तो कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि छोटा वाला जितना देर में भरेगा ना उससे 10 घंटा कम है समय लेगा, ये जल्दी ही भर देगा। यानी अगर ये 40 घंटा में भरता है, ये अपने से 40 बता रहे हैं, तो इससे 10 घंटा है कम समय लेगा, यानी कितना देर में भरेगा ये, 30 घंटा में। कैसे 30 घंटा है, तो ये भर रहा था 40 घंटा में, इससे 10 घंटा कम। तो क्या करेंगे, छोटा वाला में से 10 घंटा कम करेंगे तो ये 30 घंटा में भर सकता है। यही आपको बस निकालना है कि दोनों मिलकर के जब इतना देर में भरेगा इससे ये 10 घंटा कम समय लेगा बड़ा वाला, तो बताइए कि प्रत्येक नल द्वारा हौज को भरने में कितना समय लगेगा, ये अकेले टोटल कितना देर में भरेगा, ये अकेले टोटल कितना देर में भरेगा। हम तो अपने से ना नंबर माने हैं, आपको मानना पड़ेगा कि क्या मानिएगा, x घंटा में ही पूरा भर देता है, तो ये इससे 10 घंटा कम समय लगेगा ना, 10 घंटा घटा दीजिएगा x में से, उसी तरह बनेगा। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, यहाँ कह रहा है, यहाँ पे पहले मान ले कि छोटे नल द्वारा इस पूरे हौज को भरने में x घंटा लगा है, नंबर नहीं पता है तो x से ना मानेंगे। यहाँ देखिए छोटे नल हौज द्वारा, छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x घंटा, तो बड़ा वाला कितना लेगा, जितना भी ये x है इससे छोटका से 10 घंटा कम समय लेगा, तो बड़े नल हौज को भरने में लगा समय x माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 घंटा कम समय लगेगा। अगर ये दोनों मिल कर, देखिए ये है छोटा नल इतना देर में भरा है, बड़ा नल इतना देर में, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए अब भरा जाए तो दोनों मिल के कितना देर में भरेगा, 75/8। कैसे, तो ये पूर्णांक तोड़े हैं, दोनों मिल करके इतना देर में भरा है, तो ये और ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, दोनों नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, 75/8, ठीक है। अब देखिए एक घंटा में ही पूरा भर दे रहा है, छोटा वाला अगर नल को खोल दे, इसको हम लोग बंद रखे, इसको खोले तो एक घंटा में ही पूरा भर दे रहा है, तो अगर एक ही घंटा इसको चलाएं तो कितना भरेगा, एक घंटा। किसी भी चीज को निकालने के लिए सबसे पहले एक घंटे का निकालते हैं। आप जब भी निकालते हैं कि 5 किलो चीनी खरीद लाओ तो क्या करते हो, पहले पूछते हो कि कौ रुपया किलो है जी, ठीक है, यानी एक किलो का दाम पता रहता है, एक किलो का दाम अगर 5 रुपया होता तो 5 किलो का दाम कितना दे के आ जाते हैं, 25 रुपया दे करके आ जाते, पहले एक का पता करना पड़ेगा। तो देखिए एक घंटा में पूरा भर रहा है तो एक घंटा में कितना भरेगा, तो हो जाएगा एक घंटा में 1/x, ये एक घंटा में पूरा भर रहा है इतना में, तो ये एक घंटा में 1/x - 10 पूरा भर रहा है, दोनों मिल करके 75/8 घंटा में भर रहा है, तो दोनों मिल करके अगर एक एक घंटा चलाएं तो कितना होगा, तो 1/75/8, लेकिन इसको सही तरीके से लिखना होता है 8/75 हो जाता है, क्योंकि ये ऊपर चला जाता है ये वाला नीचे ही रह जाता है, ऊपर नीचे ऊपर और बीचे बीचे नीचे, तो डायरेक्ट हम ये वाला काम करेंगे, ठीक है, यानी कि एक घंटा में नल द्वारा एक घंटा में कितना ये हौज भरा है, ठीक है, यहाँ लिख सकते हो एक घंटा में दोनों
नल द्वारा हौज को भरा गया, कितना भरा गया ये हटा दीजिए, ठीक है, हम समझाने के लिए बताए थे। 51 घंटा का सबका निकालिए, दोनों मिला करके भरा है ना, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10, ये सब एक एक घंटा के, दोनों मिला के एक घंटा में कितना भरेगा, हम ऐसे लिखेंगे तो भी वही बात हुआ, ठीक है, 8 है और यह 75, 75, या इसको पलट के लिखे, हम लोग पलट के ही लिखें 8/75 ऐसे, ये एक घंटा का है, ठीक है, ये भी सब एक घंटा का है, यानी एक घंटा में कितना भरा, इसका ले लीजिए आप एलसीएम, एक्स इंटू बट्टा का घटाव जैसा हो गया, ठीक है, ये कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस 10 और प्लस में हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 8/75 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करें, इधर सॉल्व करें, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, अब हम खाली निकाल लेना है कि छोटा वाला कितना देर में भर रहा है और बड़ा वाला कितना देर में, जब बीच में बराबर हो तो क्या करते हैं बाबू, तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, x में 75 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा 75x, ठीक है, या फिर ये ऐसे करते हैं 1x, एक ठो यहाँ पे x, एक ठो यहाँ, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में हो जाएगा 10 और बटा में है, x में x से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे है 8/75, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 75 दूना कितना होता है 150 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस x है तो x ये गुणा कीजिए, यहाँ पे जब गुणा कीजिएगा तो 75 दहिया कितना हो जाएगा 750, और ये तिरछा तिरछी गुणा कीजिए 8x स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 80x, ठीक है, हो गया। अब ये सबको इधर भेज दीजिए, आपकी मर्जी जैसे अच्छा लगे, तो इधर है 8x स्क्वायर, ठीक है, और ये इधर है माइनस में 80x, ये पूरा उतार दी, प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना 150x, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 750, ये थोड़ा सा सही से इधर लिख दें 8x स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ेंगे हम क्योंकि x वाला है, तो कितना हो जाएगा माइनस में 230x और ये प्लस में हो जाएगा 750। अब क्या करना है, बस इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ दीजिए, आ नहीं तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप पीछे वीडियो में जा करके देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार तरीका से बताए हैं हम, जा करके एक बार देख लीजिएगा, इस पर भी टूट सकता है, हम फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ते हैं 8x स्क्वायर, बीच वाला को तोड़ना है, हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट में क्या करते हैं, ये दोनों को जब गुणा करोगे तो 75 में 8 से, फर्स्ट और लास्ट को गुणा करोगे तो 75 में 8 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 600, एक और जीरो है तो कितना हो जाएगा 75 में 8 से गुणा करने पर 600, ये 6000 हो जाएगा। अब तुम एक और काम कर सकते हो, जब ये दोनों बीच वाला को तोड़ोगे ना तो यहाँ लिख सकते हो 200x और माइनस 30x, 230 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 230, और 200 में 30 से गुणा कीजिएगा तभी 6000 होगा, जो ये फर्स्ट और लास्ट का आया था, इतना बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, कॉमन निकालिए, जो चीज़ कॉमन मिलता है हम लोग निकालते हैं, 8 कॉमन लो x कॉमन लो, तो यहाँ सिर्फ बचेगा x माइनस, कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 0 हो जाएगा 8 25 40 25, यहाँ कॉमन लो माइनस में यहाँ 30 तो हो जाएगा x, और यहाँ से जब 30 कॉमन हुआ तो यहाँ बचेगा x और ये माइनस, माइनस भी कॉमन हुआ है तो माइनस जैसे कॉमन लेते हैं सब कुछ बदल जाता है, और यहाँ पे बचेगा आपका 25 बराबर में 0। एक बार बाहर वाला लिखा जाता है 8x माइनस 30, और एक बार अंदर वाला लिखा जाता है 8x माइनस 25, दोनों में से कोई बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। एक काम करते हैं, पहले इसको 0 के बराबर कर दो या फिर इसको 0 के बराबर कर दो, तो x माइनस 25 इसको कर रहे हैं 0 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 25 आ गया, ठीक है, यानी x बराबर का क्या आया प्लस में आया, जब इसको बराबर कीजिएगा ना तो बट्टा में जाएगा, आप करके देख सकते हैं, यहाँ देखिए जगह नहीं है, 8x माइनस 30 बराबर 0 ऐसे होगा ना, 30 प्लस में इधर जाएगा, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, 8x बराबर 30 हो जाएगा, x बराबर 30/8 कितना हो जाएगा 30/8, आप बताइए बट्टा में जा रहा है कि नहीं, तो हमको बट्टा में थोड़े ना ले जाकर भरना है कि कितना देर में भर रहा है, हमारा x बराबर क्या आया 25 घंटा, आप बताइए x क्या माने हैं,
एक्स माने है कि छोटे नल पूरा भरने में हौज को 25 घंटा समय लगाएगा। छोटका जब 25 घंटा लगाएगा तो बड़ा वाला कितना लगाएगा? उससे 10 घंटा कम लगाएगा, यानी कि 25 में से 10 घंटे 15 घंटा में बड़ा वाला भरेगा और 25 घंटा में छोटा वाला भरेगा। तो अगर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि छोटे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय 25 घंटा तथा बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय 25 में से 10 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 15 घंटा लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो बिना देर की हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।